नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ चूरमा की रेसिपी। जब आप सभी लोगों ने मेरा वीलॉग देखा और उसमें आपने देखा कि विवान चूरमा खा रहा है और चूरमा काफ़ी अच्छा हेल्दी डिश है, तो आप सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप चूरमा की रेसिपी शेयर करिए। तो आज मैं चूरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस चूरमा को यूजुअली मेरी जो मदर इन लॉ है, विवान की दादी हैं, वो बनाती हैं, क्योंकि उनके हाथ से काफ़ी अच्छा बनता है। हमारे हाथ में इतनी प्रैक्टिस अभी डेवलप नहीं हुई है कि हम उसे इतना अच्छा स्मूथ बना सके। तो आप ध्यान से देखिए उनकी दादी कैसे बना रही हैं। उससे पहले मैं आपको चूरमा के बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले इसमें गेहूं होती है, तो गेहूं में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई अमाउंट्स में होता है। गेहूं से आपके बच्चे को वेट गेन में हेल्प मिलेगी। सेकंड, इसमें घी होता है। घी एक पंचामृत होता है। घी से बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, बीमारियां उसको कम पकड़ेंगी, जो सर्दी जुखाम नज़ला वगैरह हो जाता है वो कम होने के चांसेस रहेंगे। थर्डली, ये एक बहुत अच्छा ट्रैवल फूड है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। तो 5 to 7 days तक, 2-3 दिन का भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत ईजिली बच्चा इसको खा सकता है। फोर्थ, बहुत ही आसानी से जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। इसको बनाने में 10 मिनट का समय भी नहीं लगता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं चूरमा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को और देखते हैं कि कैसे बनता है हमारा टेस्टी चूरमा। चूरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रोटी। रोटी थोड़ी सी मोटी बिली हुई होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए, वो चाहिए बूरा। बूरा मतलब शुगर को ही पाउडर करके जो बनाते हैं उसे बूरा बोलते हैं। यहाँ पे आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए, घर का बना हुआ देसी घी। ये विवान की दादी ने घर पर गाय के दूध से मलाई निकाल निकाल के 1 हफ्ते का घी बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चूरमा बनाने की प्रोसेस। चूरमा बनाने के लिए मैंने एक मोटी बिली हुई रोटी ले ली है और इसमें बूरा डाल लिया है और इसे ऐसे मैश कर लिया है। तो जिस दिन हम चूरमा बना रहे थे, जिस दिन विवान की दादी ने चूरमा बनाया, उस दिन बेसिकली हमने 5 रोटी का चूरमा बनाया था, क्योंकि मैंने, विवान ने और दादी ने तीनों ने ही ब्रेकफास्ट में चूरमा खाया था। तो दूसरी रोटी में भी ऐसे बूरा डाल के आप उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी कि जो रोटी होती है वो बिल्कुल गर्मा गर्म होनी चाहिए। गर्मा गर्म रोटी में क्या होता है कि जो बूरा है वो बहुत ही अच्छे से पिघल जाता है और जो घी होता है वो भी अच्छे से उसमें पिघल जाता है। तो ज़रूरत के अनुसार धीरे धीरे करके घी डालते रहिए और इस पूरे मिक्सचर को स्मूथ करते रहिए। यहाँ पे आप बूरे की जगह शक्कर यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप गुड़ यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। तो बच्चे को अगर खून की कमी वगैरह है, थोड़ा बहुत खून कम है, तो उसके लिए ये चूरमा खाना बहुत ही अच्छा है। हरियाणा में चूरमा पहलवान लोग खाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे इस रेसिपी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक ट्विस्ट कर दिया है, जिससे कि बच्चों का वेट तो बढ़ेगा ही, ताकत तो मिलेगी ही, साथ ही उनका दिमाग तेज़ होगा। अब धीरे धीरे एक एक करके और रोटी इसमें मैश करते जाइए। तो पहले 2 रोटी से हमने स्टार्ट किया था और एक रोटी अब हमने इसमें डाल ली है। तो ऐसे अच्छे से मैश कर दीजिए ताकि बच्चे इजीली इसे चबा सके। अब एक और रोटी, जैसे देख सकते हैं आप, और एक हमने डाल दिया, ये 4th रोटी है। अब बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हम कब से चूरमा देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चूरमा को चबाने के लिए बच्चे के एटलीस्ट 4-5 दांत होने चाहिए। 4-5 दांत आ चुके हों और उसके मसूड़े अच्छे से स्ट्रांग हो चुके हों, ये होता है लगभग 12 से 15 महीने की एज पे। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस एज पे आप चूरमा देना बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, इस पर ड्राई फ्रूट्स पाउडर डालेंगे। ड्राई फ्रूट पाउडर 5 ड्राई फ्रूट से मैंने यहाँ पे बनाया है। आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिकली बादाम, काजू, मखाना, अखरोट और पिस्ता, ये 5 जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भुन के पाउडर बना लिया है। और इसे ही हम हर चीज़ में विवान के डालते रहते हैं ताकि उसके दिमाग अच्छा चले, मेंटली स्ट्रांग रहे, इंटेलिजेंस अच्छा रहे। तो ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर इसमें डाल लिया है। अब इसमें वज़न भी बढ़ेगा, ताकत भी मिलेगी, कार्ब भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और साथ ही बच्चे का दिमाग भी तेज़ होगा। और फाइनली इस चूरमे को आप बॉल्स में रोल करके खा सकते हैं।
आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। घर पे ज़रूर बना के देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपके बच्चों को कैसी लगी, आप भी इसे खा सकते हैं। आपको टेस्ट में कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।